ओके तो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया और एक क्वेश्चन लेकर आया हूं। और ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा, ना आपको आईसीआई की मॉड्यूल में मिलने वाला है ये क्वेश्चन, ना आपको आईसीआई के प्रैक्टिकल बुक में मिलने वाला है। तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व खाली यहां पे मिलेगा और इससे रिलेटेड नोट्स टेलीग्राम चैनल के ऊपर। सो गाइज डेफिनेटली टेलीग्राम चैनल जो मैं इधर नीचे कमेंट बॉक्स में दे रहा हूँ उसको ज्वाइन कर लो फॉर ऑल दीज अपडेट्स स्पेशली रिलेटिंग टू SCPM AFM and paper 6 IBS as well. All right. So stay subscribed and do like the video because ye video aur kahin nahi. Now, service level arrangements ke upar approximately 8 to 10 mark ke questions aa rahe hain. And students ka special demand aaya that sir please iske upar video banaiye. So what I am doing is ke main aap logo ko share kar raha hoon. Iska ye dekho ye question hai. ठीक है, ये इंस्टीट्यूट के सीए जर्नल में आया हुआ है, पहले वाले सिलेबस में SCMP जब होता था तो वो मेरे मैजिक बुक में मैंने लिया हुआ है और उसमें मैंने ये सॉल्व करवाया है। राइट, सो अभी अपन लोग सॉल्व कर लेंगे इसको। एंड ये देखो पांच क्वेश्चन दिख रहे हैं, वही सेम पांच क्वेश्चन वो लोग एग्जाम में पूछेंगे एंड अप्रोक्सीमेटली दो दो मार्क्स का, सो 10 मार्क्स का आने का फुल चांस है। प्लस सर्विस लेवल अरेंजमेंट के ऊपर कुछ बहुत ज्यादा ज्ञान दिया हुआ नहीं है, सीधा वो लोग ने क्वेश्चन ही दे दिया। तो ये क्वेश्चन को बराबर से सुन लो, अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट्स इज वॉट इट विल टेक, बट थरली क्लियर हो जाएगा, 10 मार्क्स पक्का है। Right, and definitely share it with your friends who may also want this or your juniors. ठीक है, बाकी अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है then in that case SCPM का फास्ट ट्रैक है, रेगुलर बैचेस है, यू कैन अवेल द बेनिफिट्स फ्रॉम आवर वेबसाइट webucate.in. फॉर नाउ चलो इस सर्विस लेवल अग्रीमेंट से स्टार्ट करते हैं और बाकी सेशन आपको कैसे लग रहे हैं और कुछ चाहिए क्या, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स योर फीडबैक्स रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी पुट या फ्यूचर में जो डालना है उससे रिलेटेड काफी काम आएंगे आपके कमेंट्स। चलो भाई स्टार्ट करते हैं ऑन दैट, उसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं एंड देन थिंग्स विल बी वेरी क्लियर। ऐसा सोचो कि मैं जेफ बेजोस हूं फ्रॉम अमेज़न। सो जेफ बेजोस अमेज़न का ओनर है एंड आप क्या इमेजिन कर सकते हो कि दिन में अमेज़न के पास कस्टमर सेंटर के या कस्टमर क्वेरीज के कितने कॉल्स आते हैं, इट इज अनबिलीवेबल। मतलब इट कैन रन इनटू 1 करोड़ कॉल्स पर डे। अब अमेज़न इज इनटू सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, इतने सारे उसके पास मर्चेंट्स है, एग्रीगेटर है वो खुद, इतना लॉजिस्टिक्स मैनेज करना है, तो इतनी सब चीजें उसको मैनेज करना है, तो उसको लग रहा है ये जो कस्टमर के डेली कॉल्स आ रहे हैं इंक्वायरी के लिए वो कहीं ना कहीं अमेज़न मैनेज नहीं कर पा रहा है। तो Amazon सोच रहा है कि क्यों ना ये चीज को मैं किसी और को आउटसोर्स कर दूं, एंड दैट इज वेयर सर्विस लेवल अरेंजमेंट या सर्विस लेवल अग्रीमेंट्स बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो से फॉर एग्जांपल Amazon अपॉइंट्स मिस्टर संकल्प जो Amazon के लिए उनके जितने भी कस्टमर सेंट्रिक कॉल्स आते हैं ना, दैट विल बी मैनेज्ड बाय संकल्प कांस्टियाज कंपनी। तो संकल्प कांस्टिया का कंपनी क्या करेगा कि जितने भी अमेज़न के कॉल्स आ रहे हैं वी माय टीम विल पिक अप एंड उसमें से जो भी उनकी क्वेरीज होगी वी विल हैंडल देम एंड फॉरवर्ड इट टू अमेज़न। अब जेफ बेजोस मेरे को बोल रहा है कि भाई ठीक है तेरे को ये मैंने दे तो दिया तो इसका क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस क्या होगा। तो मैंने उनको बोला सर जो भी कॉल हम लोग का होता है पर कॉल आप 10 रुपए मेरे को दे देना। उसने बोला ठीक है डन है नो प्रॉब्लम एंड मैं तेरे को पर कॉल पेमेंट तो कर दूंगा, बट हम लोग का काम एकदम फास्ट है, Amazon इज नोन फॉर क्विक डिलीवरीज, पूरे वर्ल्ड में Amazon बिकम फेमस बिकॉज ऑफ प्राइम डिलीवरी, 1 डे डिलीवरी। तो हम लोग का अगर डिलीवरी एक दिन में आ जाता है तो कॉल्स भी एकदम फटाफट पिकअप होना चाहिए। मैं बोला यस सर डेफिनेटली। तो ही केप्ट अ कंडीशन, इसको कहते हैं सर्विस लेवल, एक थ्रेशोल्ड सेट किया उन्होंने। और उन्होंने मेरे को बोला, किसने, जेफ बेजोस ने मेरे को बोला कि मिस्टर संकल्प एवरी कॉल should be tried to answer within 20 seconds. मतलब call जैसे ही ring हुआ 20 second के अंदर आपको call उठाना है। बोला सर every call तो नहीं हो पाएगा। जेफ बेजोस ने बोला चल ठीक है समझा मैं भी कि भाई 100% नहीं हो पाएगा but 90% call should be picked up in 20 seconds. मैं बोला ठीक है सर ये चलेगा। तो ये क्या किया, जेफ बेजोस ने मेरे लिए एक threshold सेट किया। क्या threshold सेट किया जेफ बेजोस ने, that Mr. Sankal आपके कंपनीज को या आपकी कंपनी के जितने भी एम्प्लॉइज है जो हमारा काम करने वाले हैं उनको हमारे कॉल्स 20 सेकेंड्स के अंदर उठाने हैं एंड 90% ऑफ द कॉल्स हैव टू बी पिक्ड अप विद इन 20 सेकेंड्स। अगर आपने ये एग्जीक्यूट किया देन ही हम आपको उसका पेमेंट देंगे। मैंने बोला ठीक है सर अंडरस्टूड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेट्स फाइनलाइज द अग्रीमेंट। सो ये हम लोग ने क्या सेट किया, एक सर्विस लेवल, एक थ्रेशोल्ड, हम लोग ने एक परफॉर्मेंस मेट्रिक सेट किया। अब
ये सर्विस लेवल के बेसिस पे एक अग्रीमेंट बनेगा, और भी उसके अंदर जो भी चीजें होंगी भाई, क्या कॉल का पेमेंट है एंड ऑल ऑफ दैट, एंड उस बेसिस पे फिर फाइनली पेमेंट का एग्जीक्यूशन होगा। तो सर्विस लेवल क्या होता है? एक थ्रेशोल्ड सेट करना। सर्विस लेवल अरेंजमेंट क्या होता है? उसको प्रॉपर फॉर्म में डॉक्यूमेंट करना। एंड सर्विस लेवल अरेंजमेंट में और भी बाकी सारे कंडीशंस होते हैं, पेमेंट के कंडीशंस होते हैं, पेमेंट के टर्म्स होते हैं, ऑल ऑफ दैट इज अरेंजमेंट में इंक्लूडेड होता है। सो सर्विस लेवल एक परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, सर्विस लेवल अरेंजमेंट एक बेटर लेवल पे काफी और डिटेलिंग में जो बनाया हुआ आपका एक डॉक्यूमेंट होगा। सो ये होता है सर्विस लेवल अग्रीमेंट। कई बार अगर आप लोग ने कभी अपने घर पे या ऑफिस में एयर कंडीशनर देखा होगा, तो एयर कंडीशनर का भी एएमसी होता है, सुना है आप लोगों ने, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, तो वो भी काइंड ऑफ सर्विस लेवल अग्रीमेंट में आ जाते हैं। तो उसमें एक थ्रेशोल्ड होता है कि भाई हर महीने में आपको एक बार आना है या 3 महीने में एक बार आना है, तो वो एक अरेंजमेंट हो गया। सो दैट ऑल डिपेंड्स ऑन योर बोलते ना कंफर्ट, कि आप आपके कंपनी के लिए आपको क्या सर्विसेज चाहिए। बट बेसिकली जो भी सर्विस ओरिएंटेड काम होता है, जब आप उसको आउटसोर्स करते हो, तब आप क्या बनाते हो? सर्विस लेवल अग्रीमेंट। और ये सर्विस लेवल अग्रीमेंट बराबर एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं, वो चेक करने के लिए एक परफॉर्मेंस मैट्रिक चाहिए, जिसको कहते हैं सर्विस लेवल। सो आई होप ये आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गया होगा। अब अपन लोग फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले पढ़ लूंगा मैं, डिस्कस कर लूंगा, मैंने जो एग्जाम्पल लिया है वो पर्पसली आई हैव टेकन बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन, सो दैट वी आर एबल टू कनेक्ट क्विकली। फिर फटाफट इसका आंसर भी अपन लोग एनालाइज कर लेंगे एंड वील बी थ्रू। तो फटाफट आप लोग भी क्या करेंगे, ये वाला क्वेश्चन को ओपन कर लीजिए एंड वी विल गेट स्टार्टेड। चलो, सो फर्स्ट क्वेश्चन को फटाफट रीड कर लेते हैं एंड देन वी विल मूव ऑन टू द सोल्यूशन। अगर आप क्वेश्चन को देखोगे तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है भाई, थोड़ा कंप्यूटेशन करना है, मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो गए, एंड थोड़ा एक्सप्लेनेशन का पार्ट है। रेड स्टार लिमिटेड इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ एयर कंडीशनर्स, ओके, एंड RSL इज नॉट गुड एट अटेंडिंग द कस्टमर कॉल्स ड्यू टू लैक ऑफ कैपेबिलिटीज, बट इट इज एन इंपॉर्टेंट एक्टिविटी फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ वैल्यू चेन। सीधी सी बात है, से फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे रेड स्टार की जगह पे लेता हूं ब्लू स्टार, समझ गए ना कहां से इंस्टीट्यूट एग्जाम्पल उठा रहा है। सो ब्लू स्टार अपन सबको पता है एक एयर कंडीशनर कंपनी है। नाउ ऑब्वियसली इट मेन जो ऑब्जेक्टिव है ब्लू स्टार कंपनी का, वो है कि भाई उनका एसी अच्छा हो, कॉपर के अंदर इंटीरियर बहुत कॉपर का हो, कूलिंग फटाफट होता हो एंड ऑल ऑफ दैट। बट कई बार कस्टमर्स को क्वेरी आती है एंड वो भी मैनेज करना बहुत जरूरी है, बट कहीं ना कहीं ब्लू स्टार और सॉरी रेड स्टार उस चीज में बैकफुट पे है। सो एज अ सीईओ ऑफ रेड स्टार मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे लग रहा है ये क्या है, कस्टमर क्वेरीज तो हम बराबर से हैंडल ही नहीं कर पा रहे, तो इसके जैसे तो हमारे को कस्टमर का लॉस हो सकता है। सो आई विल अपॉइंट समवन, जो मैं उनको बोलूंगा कि बॉस देखो हमारे जो भी कस्टमर क्वेरीज होते हैं वो आप एज एन आउटसोर्स एजेंट उसको मैनेज करोगे, एंड वहां पे अपन एक सर्विस लेवल अरेंजमेंट सेटअप करेंगे, सो दैट हम लोग का जो कस्टमर क्वेरी वाला काम है वो भी इजीली मैनेज होता है। तो कस्टमर खुश, इफ ही इज हैप्पी, ऑब्वियसली हमारे सेल्स बढ़ेंगे, एंड सामने मैं उसके लिए जो कॉस्ट इंकर करने वाला हूं दैट विल ऑल्सो बी टेकन केयर ऑफ। राइट, कंटिन्यू करता हूं। हेंस इन ऑर्डर टू इंप्रूव कस्टमर एक्सपीरियंस, जो डाउन स्ट्रीम सप्लाई चेन में मैनेज होता है, RSL डिसाइडेड टू हायर कृष्णा इंफोटेक बीपीओ सर्विसेज, KPKIBS, तो इसको कहते हैं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। आप आपके बिजनेस के कोई भी प्रोसेस को आउटसोर्स करते हैं ना, उसको कहते हैं बीपीओ सर्विसेज। आप लोगों ने सुना होगा बीपीओ होता है, फिर होता है केपीओ जिसको कहते हैं नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। सपोज कोई चार्टर्ड अकाउंटेंसी का काम है यूके में, विच इज मैनेज बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडिया, उसको कहते हैं नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। फिर होता है LPO, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ये जो कॉल सेंटर्स आप लोग ने सुने होता ना, ये कॉल सेंटर में काम करता है क्या, वो कॉल सेंटर क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ बीपीओ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग फॉर अटेंडिंग द कॉल्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग एंड प्रस्पेक्टिव कस्टमर। सर्विस लेवल अरेंजमेंट या अग्रीमेंट वॉज ड्यूली एंटर्ड एंड सर्विस लेवल जो थ्रेशोल्ड है वो क्या डिसाइड किया है, ऑफ 90-20 हैज बीन प्रिस्क्राइब टू कीप अ चेक ऑन सर्विस क्वालिटी। एंड क्या है ये 90-20? 90% कॉल्स विल बी आंसर्ड विद इन 20 सेकेंड्स, तब भी किसी और को रखने का फायदा है ना, बस वो हाई लेवल ऑफ क्वालिटी मिलना चाहिए। क्या होता है पब्लिक, इनवॉइस विल बी जनरेटेड मंथली एंड SL विल बी ऑब्जर्व्ड ऑन मंथली बेसिस। SL मतलब सर्विस लेवल, कि भाई क्या 90% कॉल्स 20 सेकेंड में आंसर हुए हैं कि नहीं हुए, अगर हाँ तो पैसा मिलेगा वरना नहीं मिलेगा, हाँ बता रहा हूं।
For the first month along with the invoice, KBIS provided the following details to RSL. तो अभी अभी समझो आपने कुछ काम किया है, KBIS कृष्णा इंफोटेक ने जो भी काम किया है, KIBS ने जो भी काम किया है, उस बेसिस पे इट विल रेज इनवॉइस कि भाई देखो सर हमने इतने सारे कॉल्स आए, इतने कॉल्स अटेंड किए 20 सेकंड्स के अंदर एंड ऑल ऑफ दैट. सो उसका एक आइडिया दिया है. टोटल कॉल्स ऑफर्ड 5120, कॉल्स आंसर्ड विद इन थ्रेशोल्ड टाइम 4850, शॉर्ट और अबंडेंट कॉल्स विद इन थ्रेशोल्ड टाइम 115. मतलब 20 सेकंड होने के पहले ही या तो कॉल कट गया या तो कॉल काट दिया कस्टमर ने, तो बस उसके लिए तो कृष्णा इंफोटेक बोलेगा सर मुझे रिस्पॉन्सिबल मत ठहराओ. 10 सेकेंड हुआ और कस्टमर ने कॉल काट दिया तो उसमें मेरी क्या गलती है? 5 सेकेंड होते ही कॉल कट गया, आजकल तो नेटवर्क के भी काफी इशू होते हैं, कॉल ड्रॉप हो जाता है, तो सर उसमें मेरी गलती तो नहीं है ना? फेयर इनफ. सो 115 कॉल्स वैसे है जो 20 सेकेंड होने के पहले ही, जो अपना थ्रेशोल्ड लिमिट है 20 सेकेंड का, उसके पहले ही या तो कट गए या कॉल ड्रॉप हो गया. CFO while authorizing the payment queues generated by the account executive in ERP comes across the KIBS payment. So Red Star का जो CFO है वो ये सब चीज देख रहे हैं. He immediately seeks a copy of SLA from legal but not able to understand the technical aspects. Hence he decided to call you and you are a management accountant of Red Star Limited to explain few terms including SL and certain computations. करेंगे ना सर? What is SL? Service level. फिर service level agreement. So what is SLA threshold and what is the threshold time in this case? ठीक है, SLA threshold क्या है बोलो? It is 90% call should be picked up in 20 seconds of the call which is being made. Explains the significance of 90-20 SL. Compute the SL level for the first month. ये main computation है क्योंकि इस basis पे invoice बनेगा. Whether KIBS attained the SL level to full terms of SLA, for how many calls KIBS can bill to RSL. So, 5 sub questions है. अगर exam में आता है तो around 1 to 2 marks का हर एक question होगा and we will have to answer that. So, सबसे पहले मेरे हिसाब से अपन लोग जो second part है, जहां पे second या third part है, जहां पे अपन लोग क्या होता है सर्विस लेवल अरेंजमेंट, क्या होता है सर्विस लेवल, उसको अपन लोग डिफाइन कर लेते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस. एग्जाम में तो आपको जो फ्लो है उसी में लिखना है एंड देन बाकी सब क्वेश्चंस आर प्रीटी मच इजी. फटाफट एक कैलकुलेटर साथ में रखना, सो कंप्यूटेशंस फटाफट हो जाएगा. सो आई होप क्वेश्चंस अपने को क्लियर हो गया होगा. लेट्स मूव ऑन टू द आंसर. तो सर्विस लेवल अग्रीमेंट क्या होता है वो मैं आपको समझा चुका हूँ. सर्विस लेवल क्या होता है वो भी मैं आपको समझा चुका हूँ. सर्विस लेवल अग्रीमेंट डिफाइन्स द लेवल ऑफ सर्विस यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ वेंडर, लेइंग आउट द मैट्रिक्स बाय विच सर्विस इज मेजर्ड. सर्विस लेवल अग्रीमेंट में क्या सर्विस लेवल है या क्या थ्रेशोल्ड है वो भी लिखा होगा, कितने टाइम में पेमेंट करना है वो लिखा होगा, और कोई कंडीशन है वो सब लिखा होगा. सो इट्स अ होलिस्टिक डॉक्यूमेंट. उसका एक पार्ट होता है सर्विस लेवल. सर्विस लेवल बेसिकली मेजर्स द परफॉर्मेंस. सर्विस लेवल ऑफ 90/20 signifies that 90% of the calls should be answered within 20 seconds, right? So SLA is the document that outlines the wider, मैंने बोला ना वो ज़्यादा holistic होता है, wider service agreements between a service provider and its customer. So अपने example में customer कौन था? Amazon. Service provider कौन था? Sankalp Constia. यहाँ पे service provider कौन है? Kibbs, Krishna Infotech. And customer कौन है? Red Star Limited. Whereas service level is the acceptable level of service performance regarding which agreement has been entered. Mind it, na rascal, SLA and SLA are not same. Done. Chalo, first I hope ye wala part clear ho gaya hoga. Fir yahan pe wahi similar cheez ka hi discussion hai. Service level agreement kya hota hai? Is threshold is the activity response time specified in a service level agreement. So it can be anything. देखो जैसा मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे जो है Red Star और KIBS का arrangement है, वैसे ही आपको अगर किसी और चीज का service चाहिए तो आपका कुछ और arrangement हो सकता है. It will differ from a company to company और उसके requirements के basis पे. तो जो भी जिसका requirement है वो आपको आपके service level agreement में put up करना पड़ेगा. In the current case, the SLA threshold is the number of seconds within which a call shall be responded. Threshold time 20 seconds and wo SL 90/20 ke hisab se represent hota hai.
अब अपने को कैलकुलेशंस दिखाना है ना, उसी कैलकुलेशन कैसे दिखाएंगे, तो व्हाट वी विल से इज के बॉस देखो टोटल कॉल्स मेरे पास आया है 5120, टोटल कॉल्स मेरे पास आया है 5120, उसमें से 5115 कॉल्स, उसमें से 115 कॉल्स तो मेरे पास सर पहुंचा भी नहीं है। तो प्लीज अपन को जब 90% कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, अभी अपन देख रहे हैं कि भाई कृष्णा इंफोटेक ने कैसा परफॉर्म किया है। सो अगर 90% से ज्यादा कॉल्स उसने पिकअप कर लिया 20 सेकेंड्स के पहले, एंड इन दैट केस जो रेड स्टार है दैट विल बी हैप्पी। तो देखते हैं वो थ्रेशोल्ड को पार कर पाया है या नहीं अपना कृष्णा इंफोटेक। तो कृष्णा इंफोटेक बोलेगा कि सर देखो टोटल कॉल्स आए कितने हैं। तो सबसे पहले तो वो बोल रहा है कि टोटल कॉल्स रिसीव्ड कितने हैं, पहले तो वो मैं देख लूं। तो कृष्णा इंफोटेक बोल रहा है सर 5120 कॉल्स आए हैं, बट सर उसमें से है ना 115 कॉल्स तो सर 20 सेकेंड्स कंप्लीट नहीं हुआ, उसके पहले अनआंसर हो गए, तो सर उसके लिए तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं ना। बात तो सही है, डन। सो इफेक्टिवली क्या बोला, इफेक्टिवली कितने कॉल्स आए, 5120 माइनस 115, सो इफेक्टिवली 5005 कॉल्स रिसीव्ड, उसमें से आंसर्ड विद इन टाइम वो कितना है, दैट इज 4850, दैट इज 4850। सो अगर परसेंटेज टर्म्स में मैं देखता हूं, अगर परसेंटेज टर्म्स में मैं देखता हूं, देन कितना कॉल्स विद इन टाइम एंड परसेंटेज कॉल्स आंसर्ड विद इन टाइम कितना आएगा, फटाफट आए हो, आपके हाथ में भी कैलकुलेटर है, अभी तक आपने कैलकुलेट भी कर लिया है। सो परसेंटेज कॉल्स आंसर्ड विद इन टाइम, आंसर्ड विद इन टाइम कितना आ जाएगा, इट विल बी के भाई 4850 कॉल्स आंसर कर दिया है अपन ने टोटल 5005 कॉल्स में से। समझ रहे हो तुम लोग, फॉर्मूला टर्म्स में अगर आपको देना है तो आंसर्ड विद इन टाइम डिवाइड बाय टोटल कॉल्स इफेक्टिवली रिसीव, इफेक्टिवली रिसीव। सो कितना आता है परसेंटेज देखो जरा, 4850 डिवाइड बाय 505, यस इट इज अप्रोक्सीमेटली 97%। एंड अपन बोलेंगे कि बॉस वी हैव गॉन बियॉन्ड आर थ्रेशोल्ड, तो हमने जो सोचा था हमने उससे बेटर करके दिखाया, एंड डेफिनेटली वी डिजर्व आर जो भी हमारा टर्म्स के हिसाब से पेमेंट है वो मिलना चाहिए। सो आई होप ये कैलकुलेशन क्लियर हो गया होगा। यहां पे ये कैलकुलेशन दिया है, सर्विस लेवल का एक बार फॉर्मूला लिख देंगे अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो देखो ये तो लॉजिकली मैंने आपको समझा दिया, अब इसको ये फॉर्मूला टर्म्स में मुझे कंप्यूट करना है, तो इट इज सो इजी। 4850 तो कॉल्स आंसर्ड विद इन टाइम, सो टोटल कॉल्स आंसर्ड विद इन थ्रेशोल्ड टाइम अपॉन टोटल कॉल्स इफेक्टिवली रिसीव, तो वो क्या आएगा, टोटल कॉल्स ऑफर्ड माइनस शॉर्ट और अबंडेंट कॉल्स विद इन थ्रेशोल्ड टाइम 96.9%। एक समझिगड़ू। सो अभी यहां पे अपन बोल सकते हैं भाई फोर्थ पॉइंट में क्या पूछा है, वेदर अटेन किया क्या केबीए ने, यस अगेंस्ट द एक्सपेक्टेड सर्विस ऑफ 90% केबीआई हैज अटेन्ड द सर्विस लेवल ऑफ 97%, विच मीन्स आउट ऑफ 100 कॉल्स नियरली 97 कॉल्स आर आंसर्ड विद इन 20 सेकेंड्स, वेयर एज द रिक्वायरमेंट वॉज मिनिमम इट वॉज 90%, सो उसने अटेन किया है। अभी अंडरस्टैंडिंग एंड लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, फॉर हाउ मेनी के आई बी एस कैन बिल टू आर एस एल। अब आप मेरे को बताओ कितने कॉल्स के लिए बिल होना चाहिए, कैन आई से फुल 5005 कॉल्स के लिए। भाई देखो टोटल आए 5120, बट उसमें से लेजिट कॉल्स कितने हैं या कॉल्स जो मेरे पास पहुंचे, कैन आई से वो तो 5005 ही है करेक्ट, उसमें से 90% आपको चाहिए था, मैं 20 सेकेंड के पहले उठा लूं, वो मैंने उठा लिया, सो मेरे को पूरा 5005 के लिए पेमेंट मिलना चाहिए। भाई 5005 कॉल्स उठाए मैंने, हाँ उसमें से 97% विद इन थ्रेशोल्ड लिमिट वाले वो 20 सेकेंड्स के अंदर उठाए, बट कुछ जो बाद में उठाए मैंने वो भी कॉल्स तो पिकअप करके मैंने कस्टमर क्वेरी तो हैंडल किया है ना, भले 20 सेकेंड्स के बाद किया हो पेमेंट तो मिलना चाहिए ना पब्लिक, दैट्स द होल पॉइंट। सो नो सॉरी फॉर हाउ मेनी कॉल्स, नो डाउट एस एल यूज फॉर मेजरिंग परफॉर्मेंस विच रिलाइज अपॉन द कॉल्स आंसर्ड विद इन थ्रेशोल्ड टाइम, बट कॉल्स आंसर्ड बियॉन्ड थ्रेशोल्ड टाइम ऑल्सो कॉज कॉस्ट एंड रिसोर्सिस। यार
मतलब जो भाई मैंने 4850 विदिन टाइम उठाया वो ठीक है, बट उसके अलावा भी जो 155 एडिशनल कॉल्स है वो कॉल उठाया, उनको एक्सप्लेनेशन दिया, मेरा रिसोर्सेज यूज हुआ, तो उसका भी कॉस्ट तो लग रहा है ना, तो उसका भी मैं बिलिंग तो करूंगा ना बॉस। दैट्स व्हाट द होल पॉइंट इज। हेंस बिलिंग शैल बी फॉर टोटल कॉल्स रिस्पॉन्डेड एंड आंसर्ड रादर ओनली विच आर आंसर्ड इन थ्रेशोल्ड टाइम। ऐसा नहीं खाली 4850 के लिए, 5005 के लिए आएगा सर। Hence, in the given case, KIBS can raise an invoice for 5005 calls, that is 5120 minus 115. I hope we are clear. So, बड़ा ही easy, as I said, question था, but nice के भाई कुछ कुछ concept जो institute ने खाली theory दे दिया है चार पांच line का, उससे related भी वो लोग यहाँ पे अब कुछ question and answers discussion के लिए डाल रहे हैं, so that it becomes easy for you. ओके, सो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बराबर से समझ में आ गया होगा, मस्त में दिमाग में सेट हो गया होगा, ठीक है। वैसे वैसे AFM के भी मैं ऐसे 10-10 मार्क्स के वीडियोस डाल रहा हूँ, स्टे कनेक्टेड सो यू गेट द बेनिफिट। ओके, इट्स टाइम फॉर मी टू से हास्ता ला विस्ता, मिलते हैं और एक सेशन में, ठीक है, बाय बाय, स्टे सब्सक्राइब्ड, कीप स्माइलिंग, थैंक यू सो मच, टेक केयर।